हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी रवि कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ तीन बड़े खास और बेहतरीन वर्ड। क्या जानते हैं इन वर्ड्स को कैसे यूज किया जाए? तो बताओ भाई। प्राइज, रिवॉर्ड एंड अवार्ड। घूम गया दिमाग, एक ही मीनिंग लेकर चलते हैं ना। तो आइए आज इसको सुलझाते हैं, इस समस्या को। ये आपके नाउन से ही रिलेटेड है ये वीडियो भी। दोस्तों, नाउन के अंदर ही इन चीजों को पूछा जाता है। आना चाहिए रिवॉर्ड, दे दिया वहां पर अवॉर्ड। आना चाहिए प्राइस, दे दिया अवॉर्ड। तो क्या डिफरेंस इनके अंदर रहे? इस वीडियो में हम इनका पोस्टमार्टम यहाँ करेंगे। प्राइस हमेशा कॉम्पिटिशन के लिए रखा जाता है साथियों, और ये मोर देन वन हो सकता है भाई। एक से ज्यादा प्राइज किसी भी कंपटीशन के लिए हो सकते हैं, राइट भाई? फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, कभी कॉन्सोलेशन प्राइज दिया जाता है। तो प्राइज एक से ज्यादा हो सकते हैं कंपटीशन के लिए। रिवॉर्ड दोस्तों, आप कुछ अनजाने में करते हैं, अनजाने में आप कुछ करते हैं, यानी आपने उस चीज के लिए पहले कुछ भी सोचा नहीं। आप अनजाने में कुछ करते हैं और आपको कोई खुश होकर कुछ दे दे, ठीक है? खुश होकर कुछ दे दे, यानी आपने वैसा पहले सोचा नहीं था। अब सपोज कीजिए आप कहीं गुजर रहे हैं बस से, किसी बस में सफर आप कर रहे हैं, आपने किसी बेहतरीन इंसान की एक खूबसूरत सी हेल्प की और उस इंसान ने आपको अपना नंबर दे दिया, तो वो आपके लिए क्या है? रिवॉर्ड है। उस इंसान ने खुश होकर आपको कुछ पैसे दे दिए, तो वो आपके लिए क्या है दोस्तों? रिवॉर्ड है। यानी आपने वैसा किसी पर्पज के साथ नहीं किया था, वो जो सामने वाले की हेल्प है पर्पज के साथ वो नहीं की थी। आप इसको बिल्कुल अननोविंगली करते हैं। अनइंटेंशनली करते हैं और फिर आपको कुछ दे दिया जाए बदले में, तो वो आपका रिवॉर्ड होता है। जो अवॉर्ड होता है साथियों, इसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। आप अपनी जॉब के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं ना भाई, ठीक है? और वो जॉब जब आपको मिल जाएगी तो वो आपके लिए क्या होगा? वो एक आपके लिए अवॉर्ड होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों कि आपको ये जो तीनों के तीनों वर्ड हैं इनके बेसिक मीनिंग्स का पता आज चल गया होगा। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।